फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ऑल इन वन पर। आज मैं आपको शहद और हल्दी से आपके फेस पर क्या इफेक्ट आता है उसके लिए मैं आपको एक फेस पैक बनाकर दिखा रही हूं। तो आइए देखते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच के करीब शहद। तो आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं, इसको बनाते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच हमने शहद लिया हुआ है, अब इसमें हम एक चुटकी के करीब हल्दी मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। हल्दी और शहद से हमारे फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, आप बाहर के कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपका फेस ख़राब हो गया है, आप मेकअप यूज़ करते हैं, उससे आपके फेस में बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करने से। हमें पता नहीं होता कौन सा मेकअप हमें सूट करेगा, हम पहली बार तो कोई ना कोई चीज़ यूज़ कर ही लेते हैं। अगर उसकी वजह से आपका फेस ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है, तो आप ये शहद और हल्दी का पैक ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। शहद और हल्दी आपके फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी से आपके फेस में जितने भी जम्स होते हैं, जितने भी आपके फेस पर दाग धब्बे हो जाते हैं और आपके फेस का जो कलर है, जो डल हो जाता है, वो बहुत अच्छा निखर जाता है। आपने देखा होगा, हम कभी भी शादी में, हमारी शादियों में हम उपटन यूज करते हैं दुल्हन के लिए, तो उसमें भी हम हल्दी जरूर यूज करते हैं। हल्दी यूज करने का मतलब ये होता है कि हमारा कलर उससे साफ होता है, हमारी स्किन उससे गोरी हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं, इतना आप इसको लें और अपने फेस पर पूरा इस तरीके से लगाएं। ये आपको अपने फेस पर 10 मिनट तक लगा के रखना है। जैसे आप इसको धोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे फेस पर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लें। मैंने इसको अपने फेस पर लगा लिया है, इसको मैं अब 10 मिनट तक के लिए अपने फेस पर छोड़ दूंगी। हल्दी एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ हमारी स्किन को, जितने भी हमारी स्किन में कट लग जाते हैं या हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कभी रेडनेस हो जाती है या कभी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसको भी ये हमारी स्किन से दूर करता है। और शहद तो हमारे फेस के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। शहद लगाने से हमारे फेस पर ग्लो आता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा चमक उठती है, दमक उठती है। तो अब इसको मैं 10 मिनट तक अपने फेस पर छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसको हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लूंगी। अब 10 मिनट बाद मैंने अपना फेस साफ कर लिया है। मेरी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है और क्लियर हो गई है मेरी स्किन। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।